मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमन तिवारी, आई एम फ्रॉम टेकबी। आज मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में एटीएल लैब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एटीएल लैब होता क्या है, एटीएल लैब की जरूरत क्यों पड़ी और एटीएल लैब स्कूल में इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि एटीएल का जो फुल फॉर्म है वो है अटल टिंकरिंग लैब। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है इस लैब का नाम। इस लैब का जो मेन मोटो है वो बच्चों में, युवाओं में जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको एक स्टेज दिया जा रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है, इसमें गवर्नमेंट स्कूलों को सारी ये एटीएल लैब ऐसे स्कूलों को ही प्रोवाइड किया जाता है। उसकी भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस स्कूल का जो परसेंटेज है, जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 75% से अबव हो, वो स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में आए। और इस लैब में मोस्टली 6th to 10th के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो हो गया आपका एटीएल लैब के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एटीएल लैब में हम लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं और जो भी ट्रेनर यहाँ से जाएगा वो आप बच्चों को क्या क्या वहाँ पे सिखाएगा। तो एटीएल लैब में बच्चों को बेसिकली रोबोटिक्स, आईओटी मीन्स होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में, आईओटी के बारे में, इन सब चीज के बारे में बच्चों को हम लोग वहाँ पे जाके सिखाएंगे इस लैब में। तो ये लैब जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लैब है और इस लैब में बच्चे काफ़ी क्रिएटिविटी एंड रोबोटिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट वो अपने हाथों से खुद से बनाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग एटीएल लैब में क्या क्या सामान प्रोवाइड करते हैं। एटीएल लैब में बेसिकली 4 packages में सामान हम लोग आपको किसी भी स्कूल को प्रोवाइड करेंगे। वो 4 packages में पूरे कम्प्लीटली पूरे रोबोटिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटर, सेफ्टी डिवाइस, ये सारे सामान इंक्लूड होते हैं। जो आपका फर्स्ट पैकेज होता है P1, वो आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, आईओटी, सेंसर, रोबोटिक्स एंड DIY किट पे आधारित होता है। जो आपका P2 होता है वो बेसिकली एक 3D प्रिंटर, जिसमें हम लोग एक 3D प्रिंटर स्कूल को प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटर तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें एक नॉर्मल कागज के फॉर्म में हम लोग किसी चीज को प्रिंट करते हैं। बट 3D प्रिंटर क्या होता है कि अपन किसी चीज को एक्चुअल ऑब्जेक्ट में प्रिंट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज दिखा रहा हूँ जिसको हम लोगों ने खुद से 3D प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ है। ये देखिए, इसको हम लोगों ने 3D प्रिंटर से बनाया हुआ है। तो इस टाइप के मॉडल्स बच्चे अपने स्कूल्स में खुद से एज अ मैन्युफैक्चर करने की क्वालिटी भी वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे सामान आपको 3D प्रिंटर हो गया, जस्ट अ मिनट, DIY क्राफ्टिंग किट हो गया, ये सारे किट जो है वो आपको हम लोग P2 में प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली आपके यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं वो P1 के अंदर ही होंगे। P1 में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइस आपको देते हैं। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के किट भी आते हैं, जैसे आपका रोबोटिक किट हो गया, बायोटेक किट हो गया। बायोटेक किट्स हैं, जैसे बायो वाले स्टूडेंट होते हैं कि उनके मन में ये बात होती है कि ये तो सिर्फ रोबोटिक्स से जुड़े लैब हैं, यहाँ पे रोबोटिक्स से जुड़े हम लोग प्रैक्टिकल्स कराएंगे। लेकिन ये नहीं, इस लैब में आपको हम लोग बायोटेक किट इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग उसमें भी जाके प्रैक्टिकल्स कर सको, किसी का ब्लड टेस्ट कर सको। तो इसमें आपको बायोटेक किट हो गया। और सबसे अच्छी जो डिवाइस आपको इसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो ऑडिनो। ऑडिनो बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर होता है और आपके जितने भी प्रोजेक्ट इस लैब में बनेंगे वो पूरे प्रोजेक्ट आपके ऑडिनो से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। तो ये सबसे मेन कंपोनेंट है आपका इस लैब में, जो आपको हम लोग P1 में देंगे। P1 में आप लोग सेंसर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ देखा ही होगा कि सेंसर होता क्या है और उस चीज को महसूस किया होगा, शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया या किसी किसी जगह में ऑफिस में हो गया। इन जगहों पे क्या होता है कि एक सेंसर लगा होता है, तो उस सेंसर पे भी आप लोग इस लैब में वर्क करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के सेंसर यहाँ पे आए हुए हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, PIR सेंसर है, IR सेंसर है। इन सारे सेंसर में हम लोग आपको प्रैक्टिकल्स करना सिखाएंगे और पर्टिकुलर सेंसर, एक एक सेंसर पे आपको वर्क कैसे करते हैं, उसका यूज क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग आपको इस लैब में सिखाएंगे। आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह, जैसे हो गया रडार सिस्टम हो गया जो आप लोग एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से बना सकते हैं,
आप लोग एक लाइन फॉलोअर रोबोट बना सकते हैं आईआर सेंसर से, जॉयस्टिक आता है जिससे आप लोग एक कंट्रोलर कार बना सकते हैं। तो इस टाइप के सारे प्रैक्टिकल्स आप लोग P1 पैकेज पे करेंगे। मैं तो बताने जा रहा हूँ P3 पैकेज के बारे में। P3 में बेसिकली हम लोग आपको मैकेनिकल टूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल प्रोटोटाइपिंग टूल्स आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका हैमर आता है, आपका ड्रिल मशीन आता है, सिलाई मशीन आती है, ग्लूगन आता है, ये सारी जो आइटम्स है वो आपके P3 में आते हैं। मीन्स अगर किसी चीज को आपको बनाना है तो आपको जो आपने पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अब आपको मान लो किसी चीज को, मान लो एक खेत को ही लगाना है तो आपको एक हैमर का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके लैब में कोई सामान मान लो फट जाता है तो आपको हम लोग एक सिलाई मशीन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं वो हम लोग बेसिकली आपको P3 पैकेज में प्रोवाइड। P3 में आप लोगों को हम लोग एक डिजिटल मल्टीमीटर भी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीमीटर तो आप सब जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, जिससे हम लोग घर का वोल्टेज, करंट वगैरह है और रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूटी है, ये सारा चीज हम लोग मल्टीमीटर के हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपको आइटम है वो हम लोग बेसिकली P3 में प्रोवाइड करेंगे। तो P1, P2, P3, अब आप लोग इस तीन आइटम्स को ले रहे हैं। P1 में आप लोगों ने ऑडियो लिया, सेंसर लिया, रोबोटिक किट लिया, बायोटेक किट लिया। P2 में आप लोगों को हम लोग 3D प्रिंटर प्रोवाइड किए। P3 में आप लोग मैकेनिकल टूल्स प्रोवाइड किए। अब इन सारे टूल्स में हम लोग अगर वर्क कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें सोल्डरिंग मशीन पे भी काम करना पड़ेगा। मान लो सोल्डरिंग मशीन पे काम करते करते किसी बच्चे ने हाथ जला लिया, या आप लोग कहीं वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको उसके लिए गॉगल्स का जरूरत पड़ेगा। मीन्स अपने को इस लैब में सेफ्टी की भी जरूरत पड़ेगी। डेट्स वाई क्या होता है कि अपन P4 में ऐसा आपको सेफ्टी पैकेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर आपके लैब में भगवान ना करे अगर आग लग जाए तो फायर एक्सप्लोजर प्रोवाइड करते हैं। आपको एक सेफ्टी गॉगल मिलता है, उसमें फर्स्ट एड किट। अगर मान लो किसी बच्चों को अचानक से इस लैब में चोट लग जाती है, या किसी बच्चे का हाथ कट जाता है या हाथ जल जाता है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल ना ले जाके यहीं पे उसका इलाज इस लैब में कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट एड किट से। तो गाइस आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा कि हम लोगों ने चार पैकेजेस में आपका पूरा जितने भी इक्विपमेंट थे उसके बारे में बताया। अभी तक तो मैं आप लोगों को थ्योरी बता दिया कि हम लोग P1 में क्या देते हैं, P2 में क्या देते हैं, P3 में क्या देते हैं, P4 में क्या देते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, कुछ कुछ इक्विपमेंट, जैसे मैंने ऑडिनो के बारे में बताया तो ऑडिनो दिखता कैसे है, सेंसर क्या होता है, वो आपको इस पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो आपको इतने जितने इक्विपमेंट वगैरह दिख रहे हैं वो बेसिकली पूरे P1 पे हैं। ये आपका एक ऑडिनो है जो मैंने बताया कि एक ये माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसको अगर आपके स्कूल में लैब स्टेब्लिश हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग इस पर करेंगे, वो है आपका ऑडिनो। आपके जैसे मैंने आपको सेंसर वगैरह के बारे में बताया तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसर दिए हुए हैं। ये आपका एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसका मैंने बताया कि एज अ रडार सिस्टम के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। आपका IR सेंसर दिया हुआ है, साउंड सेंसर दिया हुआ है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसर इसमें दिए हुए हैं। ये आपका एक PIR सेंसर है जो बेसिकली आपका शॉपिंग मॉल वगैरह में यूज होता है। ये PIR सेंसर का वर्क क्या होता है कि वो आदमी और जानवरों के शरीर से निकलने वाली हीट को सेंस करता है। मीन्स मेरे बताने का मतलब यही है कि आपका जो बेसिक इक्विपमेंट है जिसपे आप लोग पूरे प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे वो आपके P1 पे ही आएंगे। तो ये सारे जितने भी आपको इक्विपमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं वो आपके P1 पे बेस्ड।